जो सचिव महोदय के द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ से वार्ता हुई है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इनको पुराने विद्यालय में या यथास्थिति में 10,000 रुपये मानदेय पर रखा जाए। ये तो हमारे साथ एक नाजायज क्या फांसी देने वाली बात हो गई। जिस व्यक्ति ने 40,000 रुपये पर अपना जीवन निर्वाह करने के सपने सोचे थे और 3 साल आपको सेवा दी, उन्हें अचानक 10,000 रुपये पर रख रहा है, तो ये विधायक सांसद जी अपने मानदेय को क्यों नहीं घटा सकते हैं? ये भी अपने पुराने वेतनमान पर पहुंचने का प्रयास करें। ये अपने रातों रात वेतनमान को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और जो शिक्षा मित्र हैं, जो अवशेष रह गए हैं, उसमें भी ये कह दिया गया है कि 1,34,000 लोगों को ही ये लाभ मिल पाएगा, जबकि हमारे 1,72,000 परिवार हैं हमारे, उनके साथ ऐसा भेदभावपूर्ण वाली बात है।